राम राम भाई, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, जिसका पार्ट वन आ चुका है और पार्ट टू भी आ चुका है। ये पार्ट थ्री है। इसमें मैं आपको OI के बारे में बताना चाहता हूँ, ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम आपको ओपन इंटरेस्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मोबाइल से कि सही स्ट्राइक प्राइस को चूज करते समय ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखा जाता है। अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा जो सिखाया जा रहा है आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करें, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता रहूं और आपको समझ में ना आए, तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो या ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन इसको शेयर जरूर कर लिया करो, ताकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए लाखों की फीस खर्च कर रहा है वहां से बच जाए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सके। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी अपन आ गए हैं अपने पेपर शीट पे, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और ये पार्ट थ्री होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे OI, ठीक है। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ओपन और इंटरेस्ट, ठीक है। अभी मैं इसको आपको थोड़ा थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद में आपको मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करोगे, सीखने के बाद में जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आप क्या देखोगे, आप पहले देखोगे चार्ट, ठीक है। फिर उस चार्ट को आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। चार्ट का आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे सपोर्ट, ठीक है, या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखोगे, उसके बाद में आप देखोगे कैंडलस्टिक, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चार्ट पैटर्न, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्ट्रेटजी लगा के जब आप ट्रेड लोगे तब आप देखोगे OI, ठीक है। OI आप जब भी ट्रेड लेंगे ना, तब OI को सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। पहले बताने का रीज़न ये है कि जब आप OI समझ लोगे ना, तो उसके बाद में जब मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाई वन बताऊंगा ना, तो आप अपने माइंड में क्या है उसको कनेक्ट कर पाओगे, इनसे इनसे आप रिलेट कर पाओगे। इसको आप वैसे समझ लोगे, अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, तो अगर पहाड़ के ऊपर आप कोई एक मंदिर है, अगर वो मंदिर आपको दिख रहा है ना, तो उस पहाड़ जहाँ जहाँ से आप रवाना हुए हो वहाँ से वो मंदिर तक का रास्ता अगर आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो मंदिर दिख रहा है ना, तो आप वहाँ कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको, ये वाली चीज़ क्या सबसे लास्ट में आती है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ताकि इसके बाद में मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा ना, तो वो आप इस OI के साथ में रिलेट कर पाओगे। और जब आप रिलेट करोगे ना, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट आप इसको यूं समझो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग के जो लोग कोर्स करवाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, अंग्रेजी झाड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेट बना देंगे इसको, कि आम आदमी तो सोचेगा कि पता नहीं क्या कितनी कितनी टेढ़ी खीर है इसको सीखना। लेकिन भाई, मैं मार्केट को देखने का नजरिया, मार्केट में ट्रेडिंग करने का नजरिए को बिल्कुल बदलना चाहता हूँ। मैं इसको पूरा देसी तरीके से बताना चाहता हूँ, और मैं यहाँ आपको है ना, मार्केट को देसी तरीके से समझाना चाहता हूँ, ताकि हर बंदे के, अगर कोई पांचवी क्लास का आदमी है, तो वो भी इसको समझ के और फिर ट्रेडिंग कर सके। इसलिए मैं जो चीज़ है वो आपको टेक्निकल लैंग्वेज भी बता रहा हूँ, इसके साथ साथ में मैं एक अपना देसी उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, वरना मैं इंग्लिश के शब्द यूज करूंगा, इंग्लिश जाड़ूंगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे चार दुकान है, ठीक है, एक पे आम मिल रहे हैं, एक पे मान लो सेब मिल रही है, ठीक है, एक पे मान लो
टमाटर मिल रहे हैं, ठीक है, और एक पे मान लो मिल रहा है बिस्किट मिल रहा है, मान लेते हैं। अब देखो, अब गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम है तो लोग क्या पसंद करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये भी 50 रुपये केजी है, ये भी 50 रुपये केजी है, ये भी 50 रुपये केजी है, और ये 50 रुपये का एक बिस्किट है, मान लेते हैं। अब अगर गर्मी का मौसम है तो लोग क्या पसंद करेंगे, आम का रस पसंद करेंगे। तो आम का रस पसंद करेंगे तो जो पब्लिक है वो इनमें से क्या लेना पसंद करेगी, सबसे पहले आम लेना पसंद करेगी क्योंकि उनको आम का रस पीना है। तो अब सारी पब्लिक जब आम लेने के लिए आएगी तो ये दुकान वाला क्या सोचेगा कि भाई सारी पब्लिक मेरे पास में आ रही है, ठीक है, सारी पब्लिक मेरे पास में आ रही है तो क्यों ना मैं इसका भाव बढ़ा दूं, क्योंकि लोगों को तो आम रस पीना है तो वो तो आम तो लेके ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं इसका भाव बढ़ा दूं ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो इसने मान लो 50 रुपये से इसने भाव कर दिया 100 रुपये का, 100 रुपये पर केजी कर दिया, तो इसको पर केजी के पीछे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने आम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, लोगों ने आम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, तो जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं उसका भाव बढ़ जाता है, ठीक है। ये वैसे ही है सेम, अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको ये एंजल वन के ऐप में भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे ओआई से इसकी प्राइस बढ़ती है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि खुला इंटरेस्ट, लोगों का किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अभी जैसे ये मैंने ये खोला, ठीक है, अभी मान लो आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो पहले चार्ट देखोगे, चार्ट देखने के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे कि चार्ट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके बाद में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे कि कहाँ है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, निफ्टी के ऊपर क्लिक किया तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाओगे। अब ऑप्शन चेन में जाने के बाद में यहाँ पे ये जैसा मैंने आपको बताया था, ये कॉल है, सारे ये सारे पुट है। अभी जो निफ्टी है वो यहाँ चल रही है 21853 पे, तो ये जो चीज़ है वो इन द मनी है, ये कॉल की आउट ऑफ द मनी हो गई, और ये पुट की इन द मनी है, और ये पुट की आउट ऑफ द मनी हो गई, ठीक है। इतना सारा आपको मालूम चल गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी होगी, देखो मैं मोबाइल थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे एक आपको चीज़ दिख रही होगी, ओआई दिख रहा है, ये ओआई, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है। तो देखो एक बार मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल, एक बार आप जस्ट थोड़ी सी देसी लैंग्वेज में थोड़ी समझो ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, आम में इंटरेस्ट है। जब इस दुकान वाले को मालूम चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट आम में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आम के भाव बढ़ जाएंगे। सेम वैसे ही ये जो इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है कि जब आप ट्रेड लोगे तो इनमें से कौन सा लोगे, आप उसी में लोगे जहां पे ज्यादातर लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे देखो अभी इसमें अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, मैं अगर ट्रेड लेने के लिए यहाँ आया और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे 21850 का लूँ या 21800 का लूँ या 21750 का लूँ या 21700 लूँ, मैं कौन सा लूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड करने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि इनमें से आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने यहाँ पे ओआई पे क्लिक किया, ये ओआई पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ओआई पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखो कॉल का ओआई और ये पुट का ओआई है। मैं थोड़ा सा इसको नजदीक ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये है कॉल का ओआई, ये है पुट का ओआई। अब देखो यहाँ पे 1.3L मतलब कि लाख, 1,38,000, यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे 7 लाख, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लोग हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 21,700 के ऊपर ज्यादा लोग हैं, तो आपको ये वाला ज्यादा मतलब तो आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा। क्यों चूज करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 13 लाख लोग 21,700 के अंदर इंटरेस्टेड है, इसका मतलब कि इसकी प्राइस भागने वाली है, ठीक है। वैसे ही अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पुट ऑप्शन लोगे, तो पुट ऑप्शन में आप क्या लोगे, ये वाला लोगे इन द मनी में। तो इन द मनी में आप देखो कि यहाँ पे 21,900 है, 21,950 है, 22,000 है, 22,050 है, तो मेरे को यहाँ पे 3 लाख लोग है, यहाँ पे 22 लाख लोग है, यहाँ पे 6 लाख लोग है, यहाँ पे 23 लाख लोग है। तो सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट बना रहे हैं, 23, ये 23 लाख लोग है। तो अगर आप पुट में ट्रेड करोगे तो आप कौन सा लोगे, 21,900 का लोगे। देखो इसके बाद में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ,
जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन चयन में आया, ठीक है। ऑप्शन चयन में आने के बाद में आपको यहाँ पे ये, मैं मोबाइल को थोड़ा नीचे रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ओआई समझ में आया जितना अभी तक मैंने बताया है। देखो इसमें अभी देखो, जैसे अगर ये 21,850 है तो देखो इसकी रेट क्या चल रही है, 171 रुपये चल रही है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा दूर से ब्लर हो जाता होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ। देखो ये 21,850 है, इसकी रेट चल रही है 171, 21,800 ये है तो इसकी रेट चल रही है 197, 21,750 है इसकी रेट चल रही है 223, ठीक है। अब मानो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगर मार्केट मान लो डाउन हो रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं, मान लो मार्केट डाउन हो रहा है और अगर आपने कॉल ऑप्शन ले लिया तो आपका लॉस होगा। तो देखो लॉस कैसे होगा, यहाँ पे आपके 67 रुपीज़ घटेंगे, यहाँ पे आपके 61 घटेंगे, यहाँ पे आपके क्या घटेंगे, 57 रुपये घटेंगे। मतलब कि जहाँ पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था वहाँ पे आपका लॉस कम हो रहा है। कोई लोग बोलते ना कि मेरा लेते ही 500 का लॉस, 1,000 का लॉस दिखता है और किसी किसी को 100 रुपये का या 200 रुपये का लॉस दिखता है। इसका रीज़न ये है, देखो अभी मैंने आपको जैसे ये बताया, मैं यहाँ पे एक बार ओआई पे आता हूँ। ओआई पे आने के बाद में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे थे, 13 लाख लोग किस पे हैं, 21,700 पे हैं। अब मान लो आप वापस LTP पे आओ, अगर मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है और आपने गलती से कॉल का ऑप्शन ले लिया तो लॉस तो होगा, तो लॉस किसको ज़्यादा होगा, देखो 21,700 वाले के ऊपर जितने लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था ना उसमें लॉस कम हो रहा है। अगर आपने ये 21,700 वाला अगर आपने चूज करा है तो आपका सिर्फ 57 रुपीज़ ही लॉस होगा, और अगर आपने जिसके अंदर सबसे इंटरेस्ट कम था, जैसे ये 21,750 है तो इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम है तो इसके अंदर कितना लॉस हो रहा है, देखो 61 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी एक लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, और एक साइड मोबाइल रख रहा हूँ और एक साइड लैपटॉप रख रहा हूँ तो उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन ये टैब अपना खोल दिया है, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या है, एक चीज़ देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, जैसे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और अगर आपने ये जो मैंने आपको बताया था कि ये 21,700 का जो OI है, ठीक है, 21,700 का जो OI है, ओपन इंटरेस्ट 21,700 का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 13 लाख, ठीक है। तो अब जब आप 21,700 का ऑप्शन लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर मान लो आपको लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो देगा ना ये 21,700 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये आपको सबसे ज़्यादा देगा। और अगर मान लो आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया, तो आपको सबसे ज़्यादा कम लॉस जो होगा ना वो 21,700 में होगा। और अगर किसी ने बाई मिस्टेक अगर किसी ने 21,900 का लिया या अगर मान लो 22,000 का लिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 99 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, ये 99 रुपये मिल रहा है, तो कोई सोचेगा कि यार मैं थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो ये ले लेता हूँ। तो अगर ये किसी ने लिया होगा, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने की जगह मार्केट नीचे चली गई तो लॉस तो होगा, नीचे जाएगा तो 21,700 वाले को लॉस कम होगा और 21 और ये जो 22,000 वाले को लॉस ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अगर इसको 57 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है, अगर ये 57 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट तो 22,000 वाले में 71 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो आप समझ गए कि ओआई कितनी मेजर चीज़ है इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस अगर आपको चूज करनी है तो आपको ओआई को देख के ही करना पड़ेगा, वरना अगर मार्केट गलती से भी अगर आपके अगेंस्ट गया, आपने कॉल बाई किया, अगर मार्केट डाउन चला गया तो अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस लिया है तो आपको लॉस कम होगा, और अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस ले लिया है तो लॉस आपको ज़्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ आपको लाइव, क्योंकि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, आपको लाइव एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अगर मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो इस वाले प्राइस में आपको 57 रुपये का ही लॉस होगा, लेकिन
उतनी ही मार्केट डाउन में अगर 22,000 वाला अगर आपने ऑप्शन लिया है तो इसमें आपको 71 रुपये का लॉस होगा पर लॉट के पीछे, पर क्वांटिटी के पीछे, जितना पॉइंट नीचे आएगा उतना, ठीक है। तो ये होती है ओआई, ओआई को देख के अपन को कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग बिगिनर है उनको तो मैं पूरा बताऊंगा ही, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ये जो मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करना जिनको आता है, तो वो भाई जब भी ट्रेड लो ये ओआई को देख के ट्रेड लो, ठीक है। अगर इसमें आपका प्रॉफिट होगा तो अगर ये मार्केट, जैसे मान लो आपने यहाँ लिया, मैं एक और एग्जाम्पल देता, चलो अभी तो मैंने आपको लॉस का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आपने यहाँ पे कॉल का ऑप्शन बाई किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो देखो अगर मान लो आपने ये 22,000 का ऑप्शन अगर चूज किया है, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट किस में था, 21,700 में ज़्यादा था, ये देखो ओपन इंटरेस्ट 21,700 में 13 लाख लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, 21,700 के अंदर 13 लाख लोगों का इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट ऊपर भागेगा तो इसमें आपको 2 गुना 3 गुना भागेगा। अगर मान लो ये 50 पॉइंट भागा तो ये 40 पॉइंट भागेंगे, ये 30 पॉइंट भागेंगे, और जो ये है ये 20-22-25 पॉइंट भागेंगे। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितना ये भागेगा बाकी वाले उससे कम भागेंगे, तो अपन को प्रॉफिट कब मिलेगा, जितना ज़्यादा भागेगा उसमें अपने को प्रॉफिट है। तो अपन को जो सबसे ज़्यादा भाग रहा है उसी को ही चूज करना है, ठीक है। तो ये होता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बिल्कुल देसी तरीके से आपको मैंने समझाया, उसके बाद में मैंने आपको ये प्रैक्टिकल भी बताया। और जब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लूंगा, ठीक है, तो मैं आपको लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लेके भी बताऊंगा कि एक बार मैं गलत ट्रेड, एक बार मैं गलत ओआई वाला लूंगा, ठीक है, तब आपको कितना, तब वो कितना भागता है, और एक मैं सही ओआई वाला लूंगा तब ये कितना भागता है, ठीक है। तो अब अगले वाले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको लाइव, मैं आपको ट्रेड करके भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें देख के ट्रेड कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओआई के बारे में आज पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओआई क्या है और ओआई को देख के कैसे अपन को सही स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, ठीक है। अगर जिन भाई लोगों को समझ में आया है तो भाई कमेंट में बता देना, जिनको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट में बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। और भाई जिसको वीडियो पसंद आया है भाई, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों तक पहुंच सके, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भाई मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि शेयर मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है ताकि लोगों को इंग्लिश झाड़ के थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करके और वो हो जाए। अपन इसको बिल्कुल देसी भाषा में करेंगे और बिल्कुल देसी तरीके से करेंगे ताकि 5वीं क्लास का कोई भी अगर बच्चा होगा तो उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं मार्केट को देखने का, मार्केट में ट्रेडिंग करने का जो नज़रिया है वो बदलने के लिए आया हूँ, और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय राम जी की।